अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? खैरियत से? सॉरी स्टूडेंट्स, देखें एटलीस्ट आप लोग कमेंट में बता तो दिया करें कि यू आर ऑब्वियसली वाचिंग दिस एंड आपको समझ आ रहा है। कितने क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं आज, बाप भी तक किसी ने कोई माशाल्लाह से कमेंट किया ही नहीं है। प्लीज भाई आप लोग हमें एटलीस्ट मैथ्स में जज्बा दिखाओ, मैथ्स के क्वेश्चन को शेयर किया करो, लोग समझे तो सही। आप मैथ्स पढ़ रहे हैं है ना, इधर भी उधर अच्छा बच, क्योंकि सोसाइटी में चलना है, लोगों को पता तो चले कि मैथ्स आती है आपको। इधर देखो जरा, बाय द वे लोगों से कोई वास्ता नहीं हमारा, क्योंकि हम सोसाइटी से कनेक्टेड है, तो वी हैव टू ऑब्वियसली शो कि भाई हमें मैथ्स आती है और हमें सोसाइटी के साथ चलना होता है। इधर देखो जरा, शाबाश बता रहा हूँ मैं। नाउ लुक भाई, देखो ये एम प्लस वन नीचे है, ये एम प्लस वन क्या ऊपर, एम माइनस वन ऊपर है। अगर ये आपको क्या चाहिए, आपको एम चाहिए ना, इससे शो यही हो रहा है कि आपको एम चाहिए। ये अगर इधर चला जाए तो क्या होगा भाई, ये एम माइनस वन ये क्या बन जाएगा, इधर आगे एम प्लस वन होगा ना, एम प्लस वन इज इक्वल टू क्या है, एट हो जाएगा। भाई देखो एम माइनस वन एम प्लस वन ये कौन सा फॉर्मूला है, याद है आप लोगों को? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ए माइनस बी और ए प्लस बी वाला। अब ये वाली शक्ल ए माइनस बी वाली है, ये वाली शक्ल कौन सी है, मतलब ये वाली शक्ल जो है वो पूरी ये वाली है ना। तो अगर इसको मैं कहूंगा एम स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर तो कोई तकलीफ तो नहीं होगी? नहीं, तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये वन स्क्वायर मतलब वन स्क्वायर ही होगा, तो माइनस का वन इज इक्वल टू एट। ये माइनस का वन उधर जाए तो क्या होगा भाई, ये प्लस का हो जाएगा। एट और वन कितना होगा, नाइन। तो नाइन का रेडिकल ऑब्वियसली ये एम एम चाहिए, रेडिकल गया तो एम इज इक्वल टू प्लस माइनस थ्री आ जाएगा ना। ठीक है, तो एम की वैल्यू क्या है, या तो आप थ्री लगा सकते हैं या माइनस वन मतलब माइनस थ्री लगा सकते हैं, इट इज अप टू यू, कोई मसला नहीं है। कोई रेडिकल थ्री करता है तो कोई रेडिकल जो है नाइन करता है मतलब माइनस थ्री करता है, तो कोई प्लस माइनस थ्री करता है रेडिकल, क्योंकि प्लस माइनस थ्री आता है, रूट हमेशा दो निकलते हैं। ठीक है, सो गाइस इट वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। क्या था इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं था, स्टूडेंट बड़े कंफ्यूज थे। डन हो गया माशाल्लाह से। और आपको लेक्चर चाहिए मतलब देखने हैं तो वैसे हमारे यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हैं, मी अकेडमी का, जिसपे आप लोगों ने ये वीडियो देखी है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा अपनी दुआ में याद रखें। थैंक यू।